आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे नगर की प्रमुख हलचलों पर। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों द्वारा किया जा रहा राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक विभिन्न तारीखों में देंगे ज्ञापन, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रखेंगे आंदोलन। लायंस क्लब समर्पण द्वारा पीस पोस्टर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में 11 से 13 वर्ष के 195 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में लिया भाग। प्रतियोगिता में पीस विदाउट लिमिट पर बच्चों ने अपने विचारों को ड्राइंग शीट पर चित्रों के माध्यम से विश्व शांति का दिया संदेश। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा रतलाम द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा राज्य में 7% डीए कर्मचारी को दिया जाए व प्रदेश में लोक सेवकों की पदोन्नति रोक हटाई जाने के साथ अन्य मांगों पर सौंपा ज्ञापन। भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट एसोसिएशन लियाफी द्वारा अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन दिनांक 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है तथा निरंतर जारी है। यह जानकारी एजेंट एसोसिएशन इंदौर मंडल के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिकर्ता श्री शरद चतुर्वेदी द्वारा दी गई। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि लियाफी द्वारा बीमा धारकों एवं अभिकर्ताओं के हितों संबंधित मांगे जीवन बीमा निगम प्रबंधन से की जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से बीमा पॉलिसियों पर बोनस दर में वृद्धि की जाए, बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी समाप्त किया जाए, 1 अक्टूबर से अभिकर्ता कमीशन में कमी की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए, न्यूनतम बीमा राशि को 2 लाख किया गया है उसे पूर्व की भांति 1 लाख ही रखा जाए, बीमा पॉलिसी में प्रवेश की आयु घटाकर 50 वर्ष की गई है उसे पूर्व की भांति ही रखा जाए तथा क्लॉब बैक क्लोज लागू नहीं किया जाए जैसी मुख्य मांगे इसमें शामिल की गई है। इन मांगों को लेकर संपूर्ण भारत के अभिकर्ताओं द्वारा जीवन बीमा कार्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में रतलाम की शाखाओं के गेट पर भी भारी संख्या में अभिकर्ता साथी एकत्रित हुए तथा अपनी मांगों के संबंध में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। लगभग 70 लाख लोगों के परिवार में संकट आया है। अभी एलआईसी ने जैसे चेंज किए हैं अभिकर्ताओं के लिए सर्वे करना बहुत मुश्किल हो रहा है और हम बीमा धारकों की लड़ाई हमारे साथ बीमा धारकों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और हमारा कमीशन 1956 में जब स्थापना हुई थी एलआईसी की, हमारा जो कमीशन था हम तब से निरंतर मांग कर रहे हैं कि कमीशन बढ़ाया जाए, लेकिन सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, महंगाई सब जगह बढ़ रही है, लेकिन हमारा कमीशन कभी नहीं बढ़ाया गया, इवन अभी कम कर दिया गया। विरोधाभास है और ये ऐसा वर्ग है जिसपे शायद किसी का ध्यान नहीं है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है 15 लाख अभिकर्ताओं का और उसमें हम पूरे देश के सांसदों को, चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के सांसदों को भी हम 30 तारीख पहले ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद हम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देंगे और माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी हम मिलेंगे और 24 तारीख को हमारा एलआईसी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है मुंबई में वहाँ पर हम पूरे देश के अभिकर्ता इकट्ठे होकर घेराव करेंगे। तो इसमें आपसे हमें हमारा सहयोग अपेक्षित है और उसमें कुछ नियम ऐसे किए गए हैं जो मतलब बहुत अच्छी कार्य है। जैसे मेन चीज, यदि 5 साल के अंदर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और किसी कारण से वो बंद कर देता है जिसमें अभिकर्ता का कोई दोष नहीं है, तो प्रदीप भैया उसमें ऐसा प्रावधान आने की संभावना है कि यदि उसने पॉलिसी बंद कर दी तो जो अभिकर्ता को ऐसे में कमीशन दिया उससे वापस दे। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G1 के अंतर्गत लॉयंस क्लब समर्पण द्वारा पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 11 से 13 वर्ष के 195 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय पीस विद आउट लिमिट पर बच्चों ने अपने विचारों को ड्राइंग शीट पर चित्रों के माध्यम से विश्व शांति का संदेश दिया, जिसमें प्रथम दिया शर्मा, द्वितीय आयुष चौहान, तृतीय हर्षित चौहान रहे लॉयन वीणा छाजड़ के द्वारा बच्चों को फल वितरण किए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष लॉयन अनिता झालीवाल, सचिव लॉयन सविता तिवारी, कोषाध्यक्ष लॉयन विनीता नागोरिया, एमजेएफ लॉयन वीणा छाजड़, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन प्रेम पिरोदिया, लॉयन प्रेमलता दवे एवं स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा रतलाम द्वारा मुख्यमंत्री के नाम, आयुक्त एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन, श्री प्रभाकांत उपाध्याय को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया कि राज्य में 7% डीए कर्मचारी को दिया जाए, प्रदेश में लोक सेवकों की पदोन्नति रोक हटाई जाए, कर्मचारियों की परामर्शदात्री की बैठक आयोजन किया जाए, अतिशेष शिक्षकों एवं उच्च पद प्रभार में जिला स्तर पर की गई धांधली की जांच कर स्थापना लिपिक प्रमोद बरानिया एवं दोषियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में अवैध वसूली को रोका जाए, आयकर की राशि शिक्षकों से काटी जाती है किंतु उनके खाते में जमा नहीं होने पर इनकम टैक्स द्वारा भी राशि ली जाती है, शिक्षकों की राशि इनकम टैक्स में जमा किए जाए, बीएससी एवं जन शिक्षकों की सेवा अवधि 4 साल पूरी हो चुकी है, अवधि पूर्ण होने पर उनकी सेवाएं मूल विभाग को वापस पुनः विभाग में भेजा जाए एवं नवीन जन शिक्षकों की भर्ती की जाए। ज्ञापन का वाचन तहसील अध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष रमेश परमार, मनीष सक्सेना, मनीष माथुर, लिपिक संघ सचिव संजय जप थापी आदि उपस्थित रहे। साथ ही कलेक्ट्रेट में स्थापना शाखा के लिपिक मनीष माथुर को मध्य प्रदेश लिपिक संघ के जिला सचिव बनने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने स्वागत किया। चलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम आपको ले आए हैं रांका ऑटोमोबाइल्स पर, जहां आपको मिलेगी 1 लाख में 3 ईवी वारंटी के साथ। यहां आपको ढेर सारे ईवी मॉडल्स मिलेंगे। प्रीमियम मॉडल अल्फा प्लस में मिलेंगी डीआरएल लाइट और एक 100 किलोमीटर की शानदार रेंज। नोजल मॉडल में मिलेगा प्रीमियम प्रोजेक्टर लाइट और वेलकम ट्यून के साथ एक अलग ही अनुभव। हमारा ओरेवा अलीश मॉडल, जिसमें आपको मिलता है 12 इंच के टायर्स लिथियम बैटरी के साथ और 3 बड़ी डिक्की भी मिल जाएगी। बजाज फाइनेंस के साथ आप अपनी ड्रीम बाइक आसानी से ले सकते हैं, सिर्फ 0% डाउन पेमेंट पर और लाभ उठाए आसन। चांदनी चौक से लक्कड़ पिथा की तरफ सीधा जाते हुए पीपल के पेड़ के सामने जल्दी से विजिट करें रांका टावर, 121 लक्कड़ पीठा रोड। संपर्क करें 7000615545। लाम का पहला स्तन रोग क्लिनिक, यहाँ हर प्रकार के स्तन के रोग का इलाज होता है, जैसे स्तन गांठ की बायोप्सी, ऑपरेशन के बाद क्या एक्सरसाइज की जाए ये भी सिखाया जाता है। रतलाम में एकमात्र स्थान जहां महिला स्टाफ द्वारा डिजिटल एक्सरे मेमोग्राफी की जाती है। WHO द्वारा जारी सूचना में बताया है कि 40 वर्ष के बाद हर महिला को साल में एक बार स्तन के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे मेमोग्राफी करवाना चाहिए। WHO NCCN के दिशा निर्देशानुसार इलाज होता है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मान्य, कीमोथेरेपी द्वारा इलाज की सुविधा। महिला स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर स्मिता शर्मा, पूर्व कार्यरत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई द्वारा परामर्श। स्तन कैंसर के मरीज में स्तन बचाकर ऑपरेशन भी हो सकता है। जल्द से जल्द स्टेज 1 में पता लगने पर 90 से ज्यादा मरीज की जान बचाई जा सकती है। नई दिल्ली में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भेंट कर ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय खेलों के विकास पर चर्चा की। खेल मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे खेलों के विकास में क्रीड़ा भारती का हर संभव सहयोग करेंगे। पदाधिकारियों ने श्री मांडविया को खेलों के विकास में क्रीड़ा भारती के योगदान से अवगत करवाया और बताया कि यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय खेलों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। प्रतिनिधिमंडल में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के मध्यम उद्यम मंत्री चेतनी काश्यप के साथ क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रसाद जी महांकर, अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी और भानु सचदेवा शामिल हुए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि 5 साल 7 बार छूटे न टीका 1 भी बार के मुख्य संदेश पर आधारित जिला स्तरीय टीकाकरण संपन्न किया गया। CMHO ने कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में 100% बच्चों को टीकाकृत करने हेतु निर्देशित किया।
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरील के मार्गदर्शन में आशीष चौरसिया, मीडिया अधिकारी आदि ने जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियमित टीकाकरण के संबंध में टीकाकरण से बचाव हेतु बीमारियों माइक्रो प्लान बनाने, कोल्ड चेन, साधारण बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, सुरक्षित इंजेक्शन की विधियों, टीकाकरण सत्र का प्रबंधन, अनमोल एप्लीकेशन, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव से बचने के उपाय, आपसी बातचीत के तरीकों से आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान टीकाकरण करने के सभी कौशल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और हैंड्स ऑन आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हुए कार्य आधारित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद डॉक्टर वर्षा कुरील ने अनुरोध किया कि गर्भवती माताओं एवं अपने बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक टीकाकरण अवश्य कराए और 12 जानलेवा बीमारियों से बचाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों द्वारा किया जा रहा राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक विभिन्न तारीखों में देंगे ज्ञापन, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रखेंगे आंदोलन। लायंस क्लब समर्पण द्वारा पीस पोस्टर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में 11 से 13 वर्ष के 195 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में लिया भाग। प्रतियोगिता में पीस विदाउट लिमिट पर बच्चों ने अपने विचारों को ड्राइंग शीट पर चित्रों के माध्यम से विश्व शांति का दिया संदेश। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा रतलाम द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा, राज्य में 7% डीए कर्मचारी को दिया जाए व प्रदेश में लोक सेवकों की पदोन्नति रोक हटाई जाने के साथ अन्य मांगों पर सौंपा ज्ञापन।